प्राइम न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत तो हो चुकी है, लेकिन बीते चार दिनों से लगातार इस बात पर नेताओं का मंथन जारी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, यहां पर अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम नेता पहुंच चुके हैं और अब इसी कड़ी में जानकारी ये सामने आ रही है कि पार्टी के हाईकमान ने फैसला ले लिया है और ये फैसला सिद्धार्थ मैया के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री के पद पर उनका नाम जो है वो अब कंफर्म हो चुका है। यानी कि अब डीके शिव कुमार का अगला कदम क्या होगा। डीके शिव कुमार जब तक सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे थे, राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंच गए, खड़गे को सीधे सीधे ये कह दिया कि या तो मुख्यमंत्री बनाए वरना पार्टी में विधायक के तौर पे काम नहीं करूंगा। क्या अब डीके शिव कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेंगे? जो चुनौती वो देकर आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्या वो सच हो जाएगी? आपको बता दें कि लगातार चार दिनों से मंथन के बाद अब कर्नाटक के सीएम का नाम फाइनल कर दिया गया है। पार्टी ने एक बार फिर सिद्धार्थ मैया के ऊपर भरोसा जताया है। सूत्रों के मुताबिक उनके नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहर लगा दी है। कर्नाटक सीएम की रेस में सिद्धार्थ मैया अपने प्रतिद्वंदी डीके शिव कुमार पर भारी पड़े हैं। कल वो शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद सिद्धार्थ मैया को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा। जल्द ही कल उनकी शपथ का जो कह सकते हैं समारोह है वो भी हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या डीके शिव कुमार सरकार में शामिल होंगे, इस पर लगातार सस्पेंस बनवाया क्योंकि डीके शिव कुमार ने, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, खड़गे से मुलाकात में साफ कर दिया था कि या तो मुख्यमंत्री का पद दे वरना पार्टी में विधायक के तौर पर काम नहीं करूंगा। तो क्या डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? हालांकि वो लगातार इस बात से इनकार कर रहे थे। यूं तो ये भी कहा जा रहा था कि कर्नाटक की सियासत में 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन सिद्धार्थ मैया का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम फाइनल हो गया है। अब सस्पेंस इस बात को लेकर के बना हुआ है कि डीके शिव कुमार आखिरकार पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। क्या जो दावा उन्होंने खड़गे से मुलाकात के दौरान किया कि वो पार्टी में विधायक के तौर पे काम नहीं करेंगे वो सच हो जाएगा, या फिर जो उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर के कहा कि पार्टी में उन्हें पद नहीं चाहिए, वो सोनिया गांधी के लिए जो भी सोनिया गांधी उनके लिए जो भी फैसला लेंगी वो उसे मान लेंगे और पार्टी में वो काम करते रहेंगे। अब लगातार इसी बात पर सस्पेंस बना हुआ है। इंतजार इसी चीज का है कि हाईकमान कब इस पूरी खबर पर मोहर अपनी लगाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।